सो आज हमारे पास है नॉइस की वर्फ 2 जो कि न्यूली लॉन्च TWS है नॉइस की तरफ से. सो इसकी प्राइस जो है वो कुछ 13,000 के आसपास है. सॉरी आई मीन टू से 1300 रुपीज, 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह. बट इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं देखने मिलते. हमने इसे जो है हर जगह टेस्ट करके देखा, काम करते टाइम, आराम करते टाइम, वर्कआउट करते टाइम, एंड इसके बारे में हमें काफी सारी चीजें पता चली है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. क्या आपको इस TWS ईयर को इस प्राइस पे लेना चाहिए या फिर नहीं. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फटाफट पहले बॉक्स कंटेंट की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है. आपको सबसे पहले एक लिफाफा देखने को मिलता है, उस लिफाफे के अंदर एक रिवॉर्ड कार्ड देखने को मिलता है, एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, देन ढेर सारे स्टिकर्स के साथ आपको जो है मैनुअल्स देखने को मिलते हैं. एंड उसके बाद जैसे ही आप इसे हटाओगे तो TWS देखने को मिलता है, एंड उसके टॉप में आपको एक बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और चार्जिंग केबल देखने को मिलता है. यहाँ पे भी बढ़ते हैं TWS की तरफ. तो यहाँ पे इसका केस आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, और यहाँ पे यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी हाईलाइटेड फीचर है कि यहाँ पे नीचे आपको फिनिश और ऊपर क्रोम फिनिश देखने को मिलता है. दिखने में और लुक वाइज से बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, मतलब आप इसे आउटडोर लेके जाएंगे, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत ज्यादा आई कैची लगता है इसका जो केस आपको है. और यहाँ पे अगर TWS की बात करें तो TWS भी जो है वो डुअल टोन में आपको देखने मिलता है, और अगर आप ये अपने ईयर्स में लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्टिव लगेगा आपके फेस पे भी. इसका जो क्रोम फिनिश वाला जो आपको पार्ट देखने को मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है. ये बहुत ज्यादा जो है आपको ऐसा ब्लरीनेस देखने को मिलेगा थोड़े टाइम के यूज के बाद. एंड यहाँ पे इसका जो क्रोम फिनिश वाला पार्ट है ना, मतलब इसका जो ऊपर का लिड वाला पार्ट है, इस पे आपको आसानी से बहुत सारे स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे. एंड यहाँ पे लुक के साथ साथ इसके अगर फिटिंग की बात करें तो यहाँ पे फिटिंग आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा भी आपके ईयर में लूज नहीं रहेंगे, एंड सारा टाइम तक भी अगर आप इसे अपने ईयर में रखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ी भी तकलीफ अपने ईयर्स में नहीं देखने को मिलेगी. इसके अंदर जो है आपको IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है, मतलब वर्कआउट करने के टाइम, स्विमिंग करने के टाइम यहाँ पर जो है आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी. बट मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि इसको ज्यादा पानी के अंदर आप मत डालना. हमने जो है वर्कआउट करते टाइम जो है इसे यूज किया है, और ये इन ईयर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगे, लाइट वेट है. बात करते हैं इसके अंदर आपको जो है टच कंट्रोल देखने को मिलता है, उसमें जो है मुझे थोड़ा यहाँ पे अनकंफर्टेबलनेस लगा, बिकॉज यहाँ पे जो इसका टच कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है. कभी कभार जो है यहाँ पे इसमें मुझे जो है लैक ऑफ रिस्पॉन्स देखने को लगा, मतलब अगर मुझे जो है सॉन्ग्स को पॉज करना है या उसे स्टार्ट करना है या उसे फॉरवर्ड करना है, बैक करना है, या फिर मुझे जो है कॉल उठाना है या फिर उसे हैंगअप करना है, तो यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा उसमें अनकंफर्टेबलनेस लगा एंड रिस्पॉन्स में थोड़ा डिले लगा. एंड यहाँ पे अगर बात करें नॉइस आइसोलेशन की, तो जैसे आप इसे अपने ईयर में डालेंगे तो यहाँ पे 80% ऑफ नॉइज जो है वो आइसोलेट हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. बट इसके अंदर आपको ANC नहीं देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको ENC देखने को मिलता है. तो मतलब यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा दिक्कत इसके अंदर देखने को मिलेगी कॉल करने के टाइम, सुनने के टाइम. तो यहाँ पे अपनी बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 50 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है कंपनी क्लेम करती है, बट जैसा कि हमने टेस्ट किया तो यहाँ पे आपको जो है 40-45 आवर्स की जो है प्लेबैक टाइमिंग देखने को मिल जाती है. एंड जो TWS की प्लेबैक टाइमिंग जो है आपको वो 4-5 आवर्स की जो है कंपनी क्लेम करती है, बट हमने जब इसे टेस्ट किया तो आपको जो है 3 आवर्स या फिर 3.5 आवर्स की जो है यहाँ पे आपको प्लेबैक टाइमिंग देखने को मिल जाती है, अगर आप बहुत ही हार्डकोर से यूज कर रहे हैं. इसके अंदर आपको एक अच्छा फीचर ये देखने को मिलता है कि 10 मिनट्स के अंदर 200 मिनट का प्लेबैक टाइमिंग देगा. बात करते हैं इसके साउंड टेस्ट की, तो मेरी अम्मी है. यहाँ पे अगर आप सॉन्ग लवर है तो यहाँ पे आपको जो है हाई बेस देखने को मिलेगा, पंची बेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंड जो ट्रिबल्स है एंड जो वोकल्स है वो भी आपको जो है क्लियर देखने को मिलते हैं. इतने भी ज्यादा आपको वोकल्स जो है क्लियर नहीं देखने को मिलेंगे. तो गाइस यहाँ पे साउंड क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको जो है मैं एक सैंपल सुना रहा हूँ जो कि आ रहा है इस TWS ईयरबड से, और यहाँ पे जो है आपको लगभग अंदाजा मिल जाएगा कि आप इनडोर में और आउटडोर में आपको कैसी साउंड क्वालिटी मिलेगी. यहाँ पे बैकग्राउंड में एक पंखा भी चालू है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी. हमने इसके अंदर जो है गेमिंग टेस्ट भी करके देखा, तो यहाँ पे गेमिंग टेस्ट करने के टाइम थोड़ा सा इसके अंदर जो है आपको लैग देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर आपको 50 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है. रेंज में ऐसे काफी सारे TWS ईयरबड्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको जो है 40 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको 50 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा जो है यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है. तो बात करते हैं अभी यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की, क्या आपको 1300 के अंदर ये ईयरबड लेना चाहिए या फिर नहीं. तो अगर आपको ये ईयरबड 1300 के अंदर देखने को मिला, तो मेरा आपको ये कहना है कि आप इस ईयरबड के लिए मत जाना. आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छे लुक वाला ईयरबड चाहिए. बट यहाँ पे अगर मैं लुक की बात करूँ तो उसमें भी जो है आपको सैक्रिफाइस देखने को मिलता है. जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम बाद इसका जो क्रोम फिनिश वाला जो लिड है उस पे जो है आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे. और अगर यहाँ पे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे आपको ये सेल में 1000 के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आप जो है इसके लिए जा सकते हैं. बट तभी भी 1000 rupees के अंदर आपको काफी सारे जो है TWS ईयरबड्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं इससे. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जो आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम आएगी. फिर से मैं आपसे इसी न्यू वीडियो में भी टिप्स ट्रिक्स अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड गेमिंग एक्सपेरिमेंट के साथ. तब तक के लिए भी हैप्पी स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय एंड जय हिंद.